वेलकम टू मोटर रिव्यूज़। आज हम बात करने वाले रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली ऑल न्यू अपकमिंग 2021 रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की लॉन्चिंग डिटेल। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 को फिर से स्पॉट करा गया है एंड इसके साथ जो बाइक आप देख रहे हैं वो अपकमिंग रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 न्यू जनरेशन है। इन दोनों बाइक्स की फ़िलहाल टेस्टिंग चल रही है। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की टेस्टिंग पिक्चर्स तो 2020 से लीक्स हो रही हैं, बट रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का लॉन्च आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट में। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 कम्पीट करने वाला है होंडा 350 RS एंड अपकमिंग जावा स्क्रैम्बलर के साथ इस बाइक का कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की अगर हम लुक्स की बात करेंगे तो ये एक स्क्रैम्बलर बाइक की लुक्स प्रोड्यूस करता है। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की अगर हम मेन ट्रिपर नेविगेशन की बात करेंगे तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन बनी हुई थी कि इस बाइक में आपको ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इस बाइक की ट्रिपर नेविगेशन की पिक्चर्स हैं एंड इसमें आपको सिंगल सीट मिलने वाली है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी पिलियन राइडर के लिए भी। इस बाइक में आपको जो ड्यूल चैनल ABS मिलता है उससे आपको काफ़ी अच्छी पावर ब्रेक्स देखने को मिलेंगी। ये एक बाइक जो रहेगा हंटर 350 ये ड्यूल पर्पज़ बाइक रहने वाला है। इस बाइक के साथ आप सिटी राइड भी इंजॉय कर पाएंगे एंड इस बाइक के साथ आप टूरिंग भी कर पाएंगे। अगर हम इस बाइक के एग्जॉस्ट की बात करेंगे तो इसमें आपको ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा एंड इस बाइक में आपको जो हेडलाइट मिलने वाली है वो आपको हैलोजन हेडलाइट देखने को मिलेगी। अगर हम इस बाइक के टेल साइड की बात करेंगे तो उसमें आपको LED राउंड शेप की टेल लाइट देखने को मिलेगी एंड इसमें आपको LED इंडिकेटर्स भी मिलेंगे। ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में आपको क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए जाएंगे, प्राइस कितना देखने को मिलेगा एंड इस बाइक का इंडियन मार्केट में लॉन्च कब होगा, सारी डिटेल एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस रिव्यू को ज़रूर आप एंड तक देखें। अगर हम रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की और डिटेल्स की बात करते हैं तो इसमें आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा एंड इसमें आपको जो टोटल पार्ट्स देखने को मिलेंगे वो आपको मेटल के देखने को मिलेंगे, प्लास्टिक का यूज़ नहीं देखने को मिलेगा एंड इसमें आपको अपवर्ड माउंटेड एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी डिफरेंट लुक्स प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम इस बाइक के अलॉय व्हील्स की बात करेंगे तो इसमें आपको जो अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं वो आपको सेम मिटियोर 350 में जो देखने को मिलेंगे अलॉयस, इस बाइक में भी आपको सेम अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। हंटर 350 के अगर हम और फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें आपको ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम मिलता है एंड इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS भी मिल जाएगा। इस बाइक में आपको प्रीमियम स्विचेस भी मिलेंगे एंड इसमें आपको सिंगल सीट भी मिल जाएगी। अगर हम रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, इंजन में इसमें आपको 349 cc का फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कॉम्प्लायंट इंजन मिल जाता है। पावर इसमें आपको 20.2 HP की पावर जनरेट करेगा ये बाइक। टॉर्क इसमें आपको 27 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है। नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 5 speed gear मिल जाएंगे। सीट हाइट इस बाइक की 770 mm की है। फ्यूल टैंक इसमें आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। अगर हम इस बाइक के डिस्क ब्रेक की बात करेंगे, फ्रंट में इसमें आपको 300 mm का सिंगल डिस्क देखने को मिलता है। रियर डिस्क का साइज इसमें आपको 270 mm सिंगल डिस्क देखने को मिल जाएगा। अगर हम इस बाइक के सस्पेंशन की बात करते हैं, फ्रंट में इसमें आपको 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलते हैं। रियर सस्पेंशन में ट्विन शॉक ऑब्जर्वर देखने को मिल जाएगा। अगर हम हंटर 350 के टायर साइज की बात करेंगे, फ्रंट में इसमें आपको 100/80/17 inches के मैट ब्लैक कलर्स के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं एंड इसमें आपको रेयर का टायर का साइज़ जो देखने को मिलता है 140/70/17 inches के ट्यूबलेस टायर भी मिलेंगे एंड इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS भी मिल जाता है इस बाइक में। अगर हम इस बाइक के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करेंगे, टॉप स्पीड इस बाइक की आपको 125 km/h के हिसाब से मिलती है एंड एवरेज इस बाइक की सिटी में ये बाइक आपको 35 km/l के हिसाब से एवरेज जनरेट कर देगा। हाईवे पे ये बाइक आपको 40 km/l के हिसाब से एवरेज जनरेट कर देगा। अगर हम हंटर 350 के कलर्स की बात करेंगे तो इसमें आपको सिंगल कलर एंड इसमें आपको ड्यूल टोन कलर के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। मैट कलर एंड मेटेलिक कलर की ऑप्शंस भी इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी। अगर हम इस बाइक के ओवरऑल लुक्स की बात करेंगे तो ये एक स्कैम्बलर लाइक लुक्स प्रोड्यूस करता है ये बाइक एंड इसमें आपको कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन भी मिल जाएगा। इस बाइक में आपको सॉलिड बिल्ड क्वालिटी भी मिलती है। एज सच इस बाइक में आपको कोई भी वाइब्रेशंस नहीं फील होंगे। इसमें आपको टोटली रिफाइंड इंजन देखने को मिल जाएगा रॉयल एनफील्ड की तरफ से। इस बाइक में आपको ईजी हैंडलिंग भी मिलती है एंड इसमें आपको एडवांस टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी।
अगर हम हंटर 350 के प्राइस की बात करेंगे, इस बाइक का प्राइस आपको 1,70,000 एक्स शोरूम देखने को मिलेगा। एंड रॉयल इनफील्ड हंटर 350 के अगर हम लॉन्च की बात करेंगे, इस बाइक का लॉन्च आपको जून 2021 में देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपसे डिस्कस की। स्टिल आपके कोई डाउट्स या कभी भी कोई क्वेश्चन होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के रिव्यू को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं।